हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोमैड बीके विनय धुरिया। सारनाथ से पैदल चले लगभग 200 बौद्धिस्ट बिलोहा के रास्ते गुजर रहे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए बिलोहा के निवासी और आसपास के गांवों से लगभग 2000 से ऊपर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज रात्रि विश्राम ये बिलोहा में ही करेंगे, उसके बाद प्रातःकाल फिर से पैदल निकल जाएंगे बांसी और फिर ये यात्रा लुम्बिनी में ही समाप्त होगी। लगभग एक दिन में ये 15 से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा चल रहे हैं। सारनाथ से लुम्बिनी की धम्मचारिका का स्वागत बिलोहा बाजार में किया जा रहा है बहुत ही धूमधाम से। और इस बिलोहा में स्वागत के जो मेन मुखिया हैं वो हैं शेखर आज़ाद। सारनाथ से लुम्बिनी जो पैदल यात्रा है लगभग 2500 साल पहले शुरू हुई थी, जो आज भी चली आ रही है। और ये यात्रा का 17वां दिन है जो कि हमारे बिलोहा बाज़ार से होकर गुजर रही है। ऐसी यात्राएं साल में कई बार निकलते हैं, कुछ यात्राएं छोटी होती हैं, कुछ यात्रा बड़ी होती हैं, जो कि सारनाथ से होके सीधे ये लुम्बिनी में जाके ख़त्म होती है। बौद्ध धर्म के चार प्रमुख स्थल हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया में किसी भी कोने में रहेंगे या किसी स्थान पर रहेंगे, वो इन चारों स्थल का दौरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनका मानना होता है चारों धाम यहीं पे आके ख़त्म होती है। इन 200 बौद्ध भिक्षुक में बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं, और ये भी लोग जाएंगे और थोड़ा जलपान करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे। कल प्रातः फिर से ये शुरू होगा। और ये आप जल सैलाब देखिए, एक बार कितनी जल सैलाब है, भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ही लंबी है, बहुत ही लंबी दूरी और काफ़ी लोगों की संख्या, और सबके चेहरे पे हर्षोल्लास स्वागत ऐसा कि लोग देखते रह जाएं। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। जितनी पब्लिक बाहर है उससे ज़्यादा पब्लिक तो अंदर भी है, और यहाँ पे संगीत में व्यवस्था हुई है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था अंदर की गई है। अभी जब तक खाना खा रहे हैं बौद्धिस्ट लोग, तब तक सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर है कि पब्लिक को कैसे यहाँ पे रोका जाए, और फिर उनके जो मधुर वचनों से निकलेंगे बाड़ी, फिर उनको ये सभी सुनेंगे। और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हर कोई उत्साहित है इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, अपनी आँखों में कैद करने के लिए, और उनसे मिलने के लिए और उनको देखने के लिए।
इन सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी शेखर आज़ाद व इनके सहपाठियों की ऊपर था और उन्होंने बखूबी निर्वहन किया अपने जिम्मेदारियों का, और अभी भी वो लगे हुए हैं कि किसी तरह से किसी व्यवस्थाओं में कमी ना रह जाए। आइए अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं हमारे जो बौद्ध भिक्षुक आए हैं इतनी दूर से यात्रा करके, पदयात्रा करके, और देखते हैं उनका स्वागत और क्या कर रहे हैं अंदर कुछ। अभी जलपान की तैयारी चल रही है जोरों शोरों पे, क्योंकि ये पैदल थके हुए हैं, लगातार 15 किलोमीटर चल के आए हुए हैं, और इसके बाद इन्हें खाना पीना खिलाया जाएगा, कुछ देर आराम करेंगे, फिर अपने बाड़ी से जितने श्रोता अगर आए हुए हैं इनको प्रफुल्लित करेंगे और ज्ञान देने का कार्य करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचती रहे, और करते हैं इस वीडियो को द एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।